स्टूडेंट्स आज मैं क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगम जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं जिसको दूसरा दूसरे वर्ड जो है संप्राप्ति भी कहा जाता है इसको मैं सही से समझाने जा रहा हूँ पूरी वीडियो को देखिएगा आगम क्या है क्योंकि इसमें मैं आगम के साथ साथ इसके अर्थ के साथ साथ आगम का अर्थ अर्थ के साथ साथ मैं इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी बताने अवधारणाएं भी बताने वाला हूं आपको पता होना चाहिए इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो चलिए इसको पूरा समझने से पहले अगर मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और अब बेलाइकन को जरूर दबाइएगा चलिए हम शुरू करते हैं आगम के बारे में आगम क्या है आगम के आगम आगम का मतलब होता है आने वाला ने वाला सही और तुम्हें है आगम किससे जुड़ा हुआ है ये इकोनॉमिक वर्ड है इकोनॉमिक वर्ड है मतलब बिजनेस से रिलेटेड है लेनदेन से रिलेटेड है मैं सही, सही से समझे तो ये बिक्री से है अगर कोई भी आइटम हम जब बिक्री करते हैं तो बिक्री के बाद हमें कुछ राशि की प्राप्ति होती है तो कोई भी चीज हम बेचते हैं तो बदले में क्या प्राप्त होती है कुछ राशि की प्राप्त होती है जो बिक्री के पश्चात जितनी भी राशि की प्राप्ति होती है इस राशि को ही हम क्या कहते हैं आगम कहते हैं मान लीजिए हमने जो है पांच पेन बेचा पांच पेन बेचा और एक पेन की कीमत है दस रुपए तो टोटल कितने रुपए आ गए हमारे पास पचास रुपए तो ये पचास रुपये क्या हो गया आगम हो गया इस बिजनेस के लिए तो इसको सही अर्थ में इसका डेफिनेशन क्या समझे किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल राशि को आगम कहते हैं मतलब किसी भी वस्तु की जितनी भी इकाइयां है यानी कि किसी भी वस्तु की जितनी भी इकाइयां हर इकाइयों को किसी वस्तु की इकाइयाँ बेचने के बाद जो कुल राशि कुल रकम कुल पैसा जो मिलता है उसी को आगम कहते हैं इसका मतलब आगम क्या होता है आगम बराबर होता है बिक्री से प्राप्त राशि यानी कि जितना भी टोटल हमारा रेवेन्यू होता है रेवेन्यू इज इक्वल टू आ, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ड जितना भी हमने सामान बेचा उससे जितना भी पैसा मिला उसी को हम आगम कहते आगम की धारणाएं को समझें आप आगम की तीन धारणाएं हैं कुल आगम सीमांत आगम और औसत आगम आज हम इन्हीं तीनों को डिटेल से समझेंगे कुल आगम को इंग्लिश में टोटल रेवेन्यू कहते हैं जिसको शॉर्टकट में टी आर भी लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू टी फॉर टोटल आर फॉर रेवेन्यू सीमांत आगम को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं एम फॉर मार्जिनल और रेवेन्यू इसको शॉर्टकट में एम आर कहते हैं और औसत आगम को एवरेज रेवेन्यू इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट में इसको ए आर कहते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कुल आगम नाम ही समझ में आ गया कब कुल आगम क्या हो सकता है कुल का मतलब जितना भी टोटल आगम की प्राप्ति होती है उसी कुल आगम कहते हैं तो इसको सही से समझे हम कुल आगम इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं टी आर कहते हैं वस्तु की सभी इकाइयों की वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री से प्राप्त कुल राशि जो कि मौद्रिक रूप में होता है को कुल आगम कहते हैं यानी कि कोई भी वस्तु है वस्तु की जितनी भी इकाइयां हैं मान लो जो एक दुकानदार के बाद वस्तु की पचास इकाइयां हैं और पचास इकाइयों को पांच रुपए प्रति इकाई के बेचने के बाद उसको टोटल जो है दो सौ पचास रुपए मिला तो इस टोटल पचास की पचास इकाइयों को बेचने के बाद जो भी पैसा उसको मिला है उसी को हम कुल आगम कहते हैं कुल आगम का सिंपल सा एक डेफिनेशन है बिक्री की इकाइयां मल्टीप्लाई बाय वस्तु की प्रति इकाई कीमत यानी कि जितनी भी इकाइयां बेची उसको उसकी प्रति इकाई कीमत यानी कि प्राइस पर यूनिट जितना भी होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कुल आगम यानी कि टी आर मिल जाता है तो टी आर कुल निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा तो जितना भी आइटम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे फार्मूला का टी आर का एक और फार्मूला टी आर इक्वल टू होता है ए आर एआर का मतलब औसत आगा हमको उसके टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टी आर आगा जाएगा और टी आर को तब भी निकाल सकते हैं जब हमारे एम आर दिया रखा हो मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है सीमांत आगम सीमांत आगम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आ जाता है एम कहते हैं इसको मार्जिनल रेवेन्यू किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं यानी कि कोई वस्तु है कितनी वस्तु को बेचा उस वस्तु को बेचने के बाद जो भी आगम प्राप्त होता है मान लीजिए एक वस्तु को बेचने से दस रुपये मिलता है वहीं पर दो वस्तु को बेचा दोनों वस्तु को बेचने से जो है बीस रुपये मिला तो बात यहाँ पर है एक को मिल के दस मिला तो दूसरे वाले को बेचने के बाद हमें कितना मिला पहले वाले से दस मिला तो दूसरे वाले से भी हमें कितना मिला हुआ दस मिला हुआ तो इसी दस को जो है हम यहाँ पर एम आर कहते हैं तो एम आर निकालने का जो फार्मूला होता है एम आर इक्वल टू होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन यानी कि जो भी टोटल रेवेन्यू दिया होता है उससे जस्ट उससे ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं तो हमारे एम आर की मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाता है अब हम बात करते हैं औसत आगम की औसत आगम औसत आगम को सिंपल सी बात है औसत आगम का मतलब ही है वस्तु की प्रति इकाई कीमत यानी कि, कि किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत को औसत आगम कहते हैं कोई भी वस्तु हो उस वस्तु की एक वस्तु को एक आइटम की जो भी कीमत होगी उसी कीमत को जो है औसत आगम कहते हैं या फिर यूं कह सकते हैं कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत आगम कहते हैं यानी कि अगर ए आर निकालना चाहे ए आर इक्वल टू होता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू अगर मान लीजिए एक वस्तु को बेच के बीस रुपये मिला दो वस्तु को बेच के तीस रुपये मिला तीन वस्तु को बेच साठ रुपए मिला चार वस्तु के बेच के अस्सी रुपए मिला तो यहाँ पर ए आर क्या होगा तो ए आर इक्वल टू होगा टी आर डिड बाई क्यू तो ये टी आर है और ये क्यू है तो ट्वेंटी को वन से डिवाइड किया ट्वेंटी रुपीज थर्टी को टू से डिवाइड किया फिफ्टीन रुपीज सिक्सटी को थ्री को से डिवाइड किया ट्वेंटी रुपये एट्टी को फोर से डिवाइड किया तो ट्वेंटी रुपीज तो ये ए आर होता है यानी कि टोटल को जब क्यू से इसके क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए आर और इसी ए आर को जो कहते हैं प्राइस पर यूनिट यानी कि प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई कीमत को ही ए आर कहा जाता है थैंक यू